In this part, we will discuss about certain activities performed by plasma membrane such as diffusion, osmosis, endocytosis and exocytosis. सबसे पहले हम लोग diffusion को discuss करते हैं. तो diffusion का मतलब ही spreading होता है या फिर फैलना होता है. Diffusion का मतलब spreading होता है या स्प्रेडिंग का मतलब फैलना होता है. कोई भी चीज स्प्रेड होता है, कोई भी चीज जो स्प्रेड होता है वो जनरली अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ स्प्रेड होता है. दैट मीन्स हायर कंसेंट्रेशन मतलब जहां पे वो स्प्रेड वाला मॉलिक्यूल ज्यादा है उसको हम लोग हायर कंसेंट्रेशन बोलते हैं, और जहां पे वो मॉलिक्यूल्स कम है या फिर नहीं है उसको हम लोग लोअर कंसेंट्रेशन बोलते हैं. तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती चलाते हैं तो जिस कॉर्नर में हम अगरबत्ती चलाए उस कॉर्नर में वो खुशबू वाला मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रूम के दूसरे कॉर्नर में भी हम उस अगरबत्ती के खुशबू को फील करते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स है खुशबू वाला वो डिफ्यूज हो जाता है रूम के दूसरे कॉर्नर में भी. दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ स्प्रेड हो गया, फैल गया, डिफ्यूज हो गया. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बीकर लेते हैं और उसमें पानी लेते हैं थोड़ा, और उस पानी में अगर हम कुछ ड्रॉप इंक का डालते हैं तो वो इंक जो है धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाता है उस पानी में. और वो डिफ्यूजन किधर होता है? अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो जाता है. सी, इंक का जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे पानी में डिफ्यूज हो रहा है, और कुछ देर बाद ये पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाएगा. क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं डिफ्यूजन के डेफिनेशन में कि डिफ्यूजन के डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन. सी स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा पानी हमारा ब्लू हो गया है. दैट मीन्स जो इंक मॉलिक्यूल है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है इस पानी में. नाउ हम लोग डिफ्यूजन का दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर. हमारे बॉडी में जो सेल होता है वो सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है टू गेट एनर्जी, और वो सेल ऑक्सीजन हमारा ब्लड वेसल से लेता है. एक्चुअली आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और वो ऑक्सीजन कहां देता है? ऑक्सीजन हमारे सेल को देता है, लेकिन कैसे देता है वो हम लोग जानेंगे. ब्लड में ऑक्सीजन है और सेल को ऑक्सीजन चाहिए, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड
बनाने का काम करता है। तो ये जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन जाता है, दैट मीन्स सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन भी रहता है लेकिन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर डिफ्यूज इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर डिफ्यूज आउट होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन का हमारे बॉडी के अंदर। तो हम लिख सकते हैं एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन में कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? सो व्हाट इज डिफ्यूजन? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। ओके?